हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हमने आपको स्टॉक्स दिए थे मॉर्निंग में, होप आप यहां पर देख रहे होंगे। और जिस तरीके से हमने स्टॉक्स दिए थे, जिस लेवल को हमने दिया था वहां पर वही लेवल अचीव होते हुए नजर आए थे। लक्ष्मी ऑर्गेनिक मैंने आपको दिया था, लक्ष्मी ऑर्गेनिक एटलीस्ट 12% यहाँ पर ऊपर जाके फिर थोड़ा सा नीचे आता हुआ दिखाई दिया। और भी बहुत सारे SBI कार्ड्स यहाँ पर दिया था, रेपको होम्स यहाँ पर दिया था, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स दिए थे जहाँ पर आपके पैसे बने होंगे। होप आपने यहाँ पर इंट्राडे किया होगा और अच्छे खासे पैसे हमारी दी गई टिप्स से कमाए होंगे। और नहीं कमाए तो डोंट वरी, कल दोबारा मॉर्निंग में इसी तरीके से आपके लिए मेहनत की जाएगी और आपके लिए स्टॉक्स दिए जाएंगे, अच्छे खासे पैसे आपके वहां बनते हुए नजर आएंगे। पर इससे पहले हम आगे बढ़े और आज का टॉपिक काफी गहन होने वाला है, हाउ टू बिकम मिलेनियर विदाउट एनी बिजनेस प्लान। तो किस तरीके से करोड़पति बनना है और वो भी बिना किसी बिजनेस प्लान के, तो वो आज हमारी हम इस क्लास में करने वाले। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, जानते हैं। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए और के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो बनाए तो आपको एक बेहतरीन वीडियो यहाँ पर मिल सके, आपको नॉलेज मिल सके, आप वो सीख सके जो लोग यहाँ पर पैसे लेके सिखाते हैं या अपनी क्लासेस ऑफर करके सिखाते हैं, वो आपको यहाँ पर सिखाया है। और याद रखिए, इंट्राडे के जो लेवल मैं आपको बताता हूँ, आपको सिखा रखा है, फ्री में सिखाया है, किसी कोई सीखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर फ्री में आपको सारी एजुकेशन दी जा रही है। तो ऐसी के लिए, इसी चीज के लिए आप यहाँ पर हमें सब्सक्राइब डेफिनेटली करें। और हमारा दूसरा चैनल है ट्रेडिंग दिल से, उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। छोटी वीडियो, शॉर्ट वीडियो आती है और जहां पर अच्छा खासा पैसा बनता हुआ नजर आता है और टिप्स मिलती नजर आती है। आगे चलते हैं वीडियो में। तो हम बात करने वाले हैं किससे रिलेटेड, हम बात करने वाले हैं हाउ टू बिकम अ मिलेनियर विदाउट एनी बिजनेस प्लान। तो कोई बिजनेस प्लान नहीं है, बट यहाँ पर हमें करोड़पति बनना है। देखिए, सबको यहाँ पर करोड़पति बनना है, सब यहाँ पर चाहते हैं, चाहे गरीब हो वो भी चाहता है, चाहे जिसके पास पैसा हो वो भी चाहता है कि यहाँ पर और ज्यादा पैसा कमाया जाए। और पैसे से पैसे बनते ही है, वो आपको पता ही है, बट पैसे से पैसा हमेशा बने ये भी कोई जरूरी नहीं है। और याद रखिए, हर किसी के पास बुद्धि नहीं होती इतनी कि यहाँ पर हर किसी के पास कोई बिजनेस प्लान नहीं होता कि वो यहाँ पर करोड़पति बन सके। तो ये चीजें हमें यहाँ पर समझनी होगी। बट एक ऐसा भी चीज है कि यहाँ पर ना तो आपको ज्यादा पढ़ाई की जरूरत है, ना ही आपको किसी बिजनेस प्लान की जरूरत है, बट आप अपनी थोड़ी सी बुद्धि का यूज करके यहाँ पर करोड़ों रुपए छाप सकते हैं। और वो क्या है, उससे रिलेटेड यहाँ पर हम बताने वाले हैं। तो देखिए, सबके पास पैसे है, थोड़े बहुत पैसे एटलीस्ट यहाँ पर सब यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं, सब थोड़े बहुत पैसे यहाँ पर मेहनत करके, जॉब करके, एटलीस्ट यहाँ पर पाई पाई जोड़ के जो हम यहाँ पर बात करते हैं, वो यहाँ पर ऐड करके यहाँ पर अपनी सेविंग से बचास के यहाँ पर थोड़ा बहुत पैसा वो इकट्ठे कर सकते हैं। काफी लोग ऐसे भी होते हैं जो क्या कहते हैं, बचपन से ही यहाँ पर हेल्दी एंड वेल्दी होते हैं, मतलब यहाँ पर अगर बात करें मुंह में चांदी की चम्मच लेके पैदा होते हैं, बट स्टिल उनके पास भी बड़े बड़े प्लान नहीं होते। बट करोड़पति उसे भी बनना है, करोड़पति उसे भी बनना है जिनके पास किसी तरीके के यहाँ पर अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दिखाई नहीं देती, यहाँ पर वो इंटेलिजेंट भी है बट स्टिल उनके पास किसी ना किसी वजह से किसी भी रीजन की वजह से यहाँ पर वो पीछे रह जाते हैं। बट यहाँ पर करोड़पति उन्हें भी बनना है, उन्हें भी अपनी लाइफ चेंज करनी है। तो आपको एक ऐसा यहाँ पर चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जहाँ पर आप थोड़ी सी नॉलेज से एज वेल एज यहाँ पर थोड़े से पैसे से एज वेल एज यहाँ पर आप बस थोड़ा सा पेशेंस के साथ अच्छा खासा पैसा यहाँ पर कमा सकते हैं और आप एक करोड़पति बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो देखिए, जिस चीज की मैं बात करने वाला हूँ वो आपको पता ही है, हम स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, तो हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट की, हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की। तो ये इन्वेस्टमेंट है क्या चीज, देखिए इन्वेस्टमेंट अगर हम बात करें, गोल्ड में भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करें लोग FD में भी करते हैं, सेविंग अकाउंट्स में भी यहाँ पर पैसा रखते हैं, एज वेल एज अलग अलग यहाँ पर तरीके हैं, प्रॉपर्टी यहाँ पर लोग खरीदते हैं। बट प्रॉपर्टी जब आप खरीदने जाते हैं तो आपको एटलीस्ट यहाँ पर हम बात करें 50 लाख, 1 करोड़, इस तरीके की बात की जाती है। बट काफी लोग हैं जिनके पास ना 50 लाख है ना 1 करोड़ है। हम गोल्ड की ही बात कर रहे हैं तो हम 1 तोला भी लेने जाते हैं तो वहां पर भी 50,000 रुपये हमें जरूरत पड़ती है, बट एक साथ 50,000 रुपये वहां पर भी नहीं है। FD और सेविंग अकाउंट में फिर हम रखेंगे क्या, सेविंग अकाउंट में तो हम 5 रुपये भी रख सकते हैं, 10 रुपये भी रख सकते हैं, बट 5 रुपये 10 रुपये से हम करोड़पति नहीं बनने वाले। बट एक ऐसी चीज इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज है जहां पर आप केवल और केवल थोड़ा थोड़ा पैसा
अगर आप महीने में 10,000 रुपए भी कमाते हैं और 500 रुपए भी निकाल देते हैं, ओके, आप 20,000 रुपए भी कमाते हैं, आप 1,000 रुपए निकाल लेते हैं, आप 25,000 रुपए कमाते हैं, आप 1,000 की जगह 2,000 रुपए निकाल लेते हैं, तो याद रखिए आप यहाँ पर अच्छा खासा पैसा अपनी फैमिली के लिए एज वेल एज अपने फ्यूचर में आने वाले किसी भी पीढ़ी के लिए, एज वेल एज यहाँ पर हम बात करें अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की शादी के लिए, और यहाँ पर अपने घर के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए, अपनी जर्नी के लिए यहाँ पर अच्छा खासा पैसा यहाँ पर मार्केट से कमा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको किसी भी तरीके की नॉलेज की भी जरूरत नहीं है, एक ही आपको हार्वर्ड में ही पढ़ना है, ओके, हार्वर्ड में पढ़ के ही आप यहाँ पर मार्केट में करोड़पति बन सकेंगे। ऐसी भी कोई आपको डिग्री लेने की जरूरत नहीं है कि आपको MBA करना है, ओके, या फिर आपको कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है या फिर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कोर्स करना है। अगर आपने यहाँ पर थोड़ा सा भी पढ़ रखा है, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ थोड़े की बात करूँ तो 10th क्लास 12th क्लास तो एटलीस्ट यहाँ पर सब जाते ही है, ओके, और 10th और 12th का जाने का मतलब है कि आप बेशक से हिंदी मीडियम से है या इंग्लिश मीडियम से है, अगर मैं आपको बताऊं कि एसेट क्या होता है तो आप समझ पाएंगे कि एसेट क्या होता है। आपसे बात की जाए लाइबिलिटीज क्या होती है, जब 10th और 12th कोई क्रॉस कर लेता है तो ये छोटी छोटी चीजें सबको यहाँ पर पता चल जाती है। तो ये ही चीजें आपको पता करनी है, आपको पता है डेट क्या होता है, आपको पता चल जाता है, आपको पता चल जाता है मार्केट वैल्यू क्या होती है, मार्केट कैपिटल क्या होती है, ROCE क्या होती है। और याद रखिए ये चीज अगर आपको पता भी नहीं है बट स्टिल आप यहाँ पर थोड़ा सा आपने पढ़ाई कर रखी है और मार्केट में जैसे हम हो गए और भी बहुत सारे यूट्यूबर हो गए या फिर बहुत सारे यहाँ पर बिजनेस चैनल हो गए, बहुत सारे यहाँ पर बुक्स हो गई, अगर उन्हें भी आप डेली वाइज अगर 1 घंटा भी पढ़ लेते हैं तो याद रखिए आपको इतनी नॉलेज मिल जाएगी। और थोड़ा सा 1 से 2 साल यहाँ पर मार्केट में आप दे देते हैं तो याद रखिए आप वो छोटी छोटी अमाउंट से यहाँ पर करोड़पति बन सकते हैं। कभी आपने सुना होगा कि राकेश झुनझुनवाला सर आए 5,000 रुपये लेके 35,000 करोड़ के आज मालिक है। हम बात करें विजय केडिया की 35,000 रुपए लेके आए, ओके, यहाँ पर हम बात करें वो आज 1,000 करोड़ के मालिक है। तो देखिए उनकी जर्नी अलग है, थोड़े से पैसे लेके आए थे, उन्हें बहुत टाइम हो गया है, सारी की सारी चीजें वो भी नहीं बताते कि एग्जैक्टली उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर पैसा कमाया, बट हमारे थोड़ी सी चीजें उन्होंने जो बता रखी है वो हमारे माइंड में क्लियर है। उन्होंने बता रखा है कि थोड़े थोड़े पैसे अगर हम जोड़ते हैं लगाते हैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स में लगाते हैं जो हम सोच के समझ के तो अच्छा खासा पैसा बनता हुआ नजर आता है। तो यही हमें करना है मार्केट में। आप चाहे छोटे हो या बड़े हो या आपके पास आप ज्यादा अमीर हो या फिर गरीब हो, कोई मैटर नहीं करता कि आपकी पोजीशंस क्या है, कोई मैटर नहीं करता कि आप क्या हो, मार्केट यहाँ पर सबको अपॉर्चुनिटी देता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको केवल और केवल अगर आप 500, 1,000 रुपये, 1,500 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये एज पर योर सेविंग अगर निकाल लेते हैं, आप अगर 4 रोटी खाते हैं 4 की जगह 3 रोटी भी खा लेंगे ना चलेगा, ओके, थोड़ी थोड़ी हिस्सा यहाँ पर अपना सेविंग में रखिए, ओके, और सेविंग में रख के उसे यहाँ पर सेविंग अकाउंट में मत रखिए। क्यों? क्योंकि सेविंग अकाउंट में आप रखेंगे तो याद रखिए आप सोच रहे होंगे FD में पैसा ज़्यादा मिलता है, बट हर साल 5% या 6% के हिसाब से यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ता है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ती हुई चल नजर आती है। आज कल जो हम बचपन में 1 रुपए की चीज खरीदते थे, 1 रुपए की 12 टॉफियां आती थी, तो आज 1 रुपए की 12 टॉफियां वाला जमाना चला गया। 1 रुपए की 1 आती है वो भी छोटी आती है, और 1 रुपए का भी अब धीरे धीरे जमाना चल रहा है, अब 2-2 रुपए की आने लग गई है। तो वो भी आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, तो वो चीज आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी। अब तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है इन्फ्लेशन भी साथ साथ बढ़ता है, तो आपके 1 रुपए का मतलब आने वाले 5 साल 10 साल में कुछ नहीं रह जाएगा। 25 पैसे के सिक्के बंद हो गए, 50 पैसे के सिक्के बंद हो गए, 1 रुपए का चल रहा है, आने वाले टाइम में 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए के सिक्के भी बंद हो जाएंगे, फिर नोट चला करेंगे 10 रुपए 50 रुपए और 100 रुपए के। तो ये चीज आपको यहाँ पर समझनी है। तो आपको करना क्या है, आपको इन द ब्रीफ, ओके, मैं अगर बताना चाहूँ मोरल ऑफ द स्टोरी, तो अगर आपके पास 500 रुपए है, ओके, आपके पास 1,000 रुपए है, तो आपको यहाँ पर डीमैट अकाउंट ओपन कराना है। फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन होते हैं। अब ऐसा कुछ नहीं है, डिजिटल जमाना है, किसी भी ब्रोकिंग फर्म में जाइए, ओके, या आपका बैंक है वही आपको यहाँ पर डीमैट की सर्व सुविधा देता है, वहां पर जाइए, वहां पर जाके अपनी नॉलेज ग्रैब करिए। मैं यहाँ पर म्यूचुअल फंड की बात नहीं कर रहा हूँ,
आपको किसी म्यूचुअल फंड पे नहीं जाना, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जाएंगे तो याद रखिए आपको 10% का ही प्रॉफिट होगा और नॉलेज भी नहीं मिलेगी, बट आप यहाँ पर कम एजुकेटेड भी है और मार्केट में 1 से 2 घंटा अगर आप डेली आफ्टर मार्केट भी दे सकते हैं, कभी भी दे सकते हैं, रात में दीजिए, दिन में दीजिए, दोपहर में दीजिए, सुबह दीजिए, जब भी आपको टाइम मिले तब आप यहाँ पर चार्ट को देखिए और हमारी वीडियोस को देखिए, सीखिए और यहाँ पर 1-2 घंटे की पढ़ाई और वो भी 1 से 2 साल कंटिन्यूअस, ओके, मार्केट में किस तरीके से यहाँ पर कुछ चीज आने पर क्या होता है, ओके, यहाँ पर क्यों न्यूज आने पर क्या होता है, ये पैटर्न बनने पर क्या होता है, ये चार्ट बनने पर क्या होता है, ये सब चीज आप सीख लेंगे तो आप एक पर्टिकुलर शेयर फंडामेंटल क्या होता है, टेक्निकल क्या होता है, ये सब चीज यहाँ पर सीख लेंगे और वो भी फ्री में। आपके पास मोबाइल है, सबके पास आजकल स्मार्ट मोबाइल है, किसी लैपटॉप की भी जरूरत नहीं है, स्मार्ट मोबाइल है, सबको यहाँ पर पता है स्क्रीनर क्या होता है, किस तरीके से स्क्रीनर यूज करते हैं, मोबाइल पे किस तरीके से यहाँ पर आप ट्रेडिंग व्यू यूज कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें आप और किस तरीके से आप अपने पर्टिकुलर, अगर ज़ेरोधा की बात की जाए, एंजल ब्रोकिंग की बात की जाए, वो हर एक चार्ट, हर एक स्टॉक्स का चार्ट आपके सामने ला देते हैं, तो इसी तरीके से आप वो सारी की सारी चीजें अपने सामने मोबाइल पे, टैबलेट पे, फोन पे और यहाँ बात करें तो हम यूट्यूब की वीडियोस पे देख देख के सीख सीख के यहाँ पर चीजें कर सकते हैं। तो यहाँ पर याद रखिए, कोई भी यहाँ पर जन्म से ही यहाँ पर बुद्धिमान नहीं होता, ओके, वो एक निराले बच्चे होते हैं, कभी हो जाता है तो ओके, वंस इन अ व्हाइल। तो अगर हम बात करें, हम सब बचपन से ही इतने इंटेलिजेंट नहीं हुए, पर धीरे धीरे जैसे जैसे हम ग्रो किए तो हमने यहाँ पर दूसरों से सीखा, हमने देखा यहाँ पर इस ये हमें बार बार कह रहा है विजय केडिया सर, हमें बार बार कह रहे हैं कि हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, राकेश जुनवाला सर कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, वॉरेन बफेट कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ओके, यहाँ राकेश दमानी कहते हैं इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जो हमें सब जगह से केवल एक ही खबर मिल रही है, इन्वेस्टमेंट। तो हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है कि इन्वेस्टमेंट एग्जैक्टली है क्या, एक्चुअली इन्वेस्टमेंट है क्या, ओके, और वो भी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट, ओके, वो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट। तो आपको ये सारी चीजें केवल सीखनी है, जब इन्वेस्टमेंट 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 हमारे जहन में चलेगा, हमारे दिमाग में चलेगा, हमारे दिल में उतर जाएगा, तो हम उसे सीखेंगे और जब हम सीखेंगे और थोड़ा सा टाइम देंगे, क्योंकि हम जब एक पौधा लगाते हैं और इसे पानी डालते रहते हैं तो वो धीरे 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 बढ़ता है, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 1 साल में, 10 साल में, 5 साल में बड़ा होता है, और बड़ा होने के बाद धीरे धीरे उसमें फल भी आने लगते हैं और वो फल फिर खत्म नहीं होते, वो फल हमेशा चलते रहते हैं। तो इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट भी है, आज से शुरू करोगे, 500 रुपए, 1000 रुपए एक पर्टिकुलर स्टॉक्स में देखोगे, लगाओगे, सीखोगे, ओके, लॉस भी कर दोगे, कोई इशू नहीं है, 500 रुपए आपने लॉस कर दिया, 1000 रुपए आपने लॉस कर दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपकी लाइफ बिल्कुल भी खराब नहीं हो रही, ओके, बट याद रखिए वही 500-1000 रुपए अगर एक दिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद वो 500 रुपए जोड़ जोड़ के अगर 1 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए और 1000 करोड़ रुपए आपकी बुद्धि के अनुसार, अगर जैसे ही हमारी इंटेलिजेंस है, ओके, हमारा ऑरा है, हमारी लक है भी है, ओके, हमारी डेस्टिनी भी है, हमारी किस्मत भी है, जब सब कुछ यहाँ पर मिलता है, ओके, किसी को कम मिलता है, किसी को ज्यादा मिलता है, इसे मान सकता हूँ, बट सबको मिलता है। तो याद रखिए, अगर हम यहाँ पर BMW की ख्वाहिश कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर मारुति हमें अगर स्विफ्ट डिजायर भी मिल गई तो हमें इतना तो एटलीस्ट मिला, तो ये चीज ही आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी, ओके, विजन बढ़िया रखिए, ओके, और इन्वेस्टमेंट चालू करिए, धीरे 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 यहाँ पर पैसे लगाइए, तो धीरे धीरे पैसे लगाएंगे तो याद रखिए अच्छा खासा पैसा बनता हुआ नजर आएगा, और यही एक प्लान है कि हाउ टू बिकम अ मिलेनियर विदाउट एनी बिजनेस प्लान। तो आपको किसी तरीके की बिजनेस प्लान की जरूरत नहीं है, किसी तरीके की एजुकेशन की जरूरत नहीं है, ओके, और आपको ऐसा कोई बड़ा अमाउंट और करोड़ों रुपए की जब भी जरूरत नहीं है, सिंपल आप थोड़े थोड़े पैसे 500,000, 1,500, 2,000, 3,000 जो कि आप ऐसे ही उड़ा देते हैं, बाहर जाते हैं, पब में जाते हैं, ओके, यहाँ पर बाहर निकले तो यहाँ पर MACD में चले गए, यही पैसा जोड़ लीजिए, ओके, और जब आगे चल के आपका यही पैसा अच्छा खासा पैसा बनता हुआ नजर आएगा। तो यही चीज आज मैं आपको बताने वाला था, ये वीडियोस तो हम बनाते रहते हैं, बहुत सारे शेयर से रिलेटेड भी यहाँ पर वीडियो बनाते रहते हैं, वो आता रहेगा, दूसरा वीडियोस भी आने वाला है, कल मॉर्निंग में भी यहाँ पर अपडेट दूंगा कि किस तरीके से इंट्राडे में यहाँ पर पैसा कमा सकते हैं, बाकी हम टेक्निकल की क्लासेस भी यहाँ पर ले रहे हैं, वो भी आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप टेक्निकल यहाँ पर देख देख के इंट्राडे भी कर सकते हैं, तो धीरे 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 मैं भी सीखता जा रहा हूँ तो आपको भी वो सिखाता जा रहा हूँ, वो भी फ्री में। तो यहाँ पर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, 3 बजे सो के अगर मैं सुबह 7 बजे उठ के आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ तो कुछ ना कुछ मीन होगा उसका। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा,
कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, जितना हो सके सब्सक्राइब करिएगा, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस में मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।